किया ना, लेकिन आप बताओ केसीआर का बंगला तो बन गया, बेटे का तो बन गया, बेटी का तो बन गया, दामाद का तो बन गया, आपको डबल बेडरूम मिला क्या? नहीं मिला। लेकिन उनके बंगले बनते रहे किस ताकत की बुनियाद पर? क्योंकि आपने झोली भर भर के उन्हें वोट दिया। जब भी उन्होंने आपको आवाज लगाई, आप सबसे बड़ी ताकत बनके केसीआर के पीछे खड़े हो गए। आपसे वायदा किया कि शादी मुबारक की स्कीम में आपकी बच्चियों को पैसे मिलेंगे, लेकिन आपकी बच्चियों को नहीं मिले बल्कि बिचौलियों को मिल गए, बीच वाले पैसे खा गए। आपसे वादा किया कि औकाफ की जमीनें लुटने नहीं देंगे, लेकिन परगी वालों, पूरे हिंदुस्तान का सबसे पहला सूबा है तेलंगाना, जहां 77,000 एकड़ जमीनें हैं औकाफ की, और उसमें तकरीबन 60,000 जमीनें या तो लूटी जा चुकी हैं या बेच दी गई हैं, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। वक्त को जुडिशियल पावर देने की बात तो छोड़िए, बोर्ड को, वक्त बोर्ड की जो फाइलें हैं पिछले एक साल से केसीआर साहब ने उसमें ताला लगा दिया है, आप उनके कागजात तक चेक नहीं कर सकते। अपनी आंखें खोलिए, अपनी आंखों पे पड़ा हुआ केसीआर की मोहब्बत का चश्मा हटाइए। ये जो केसीआर हैं, ये मोदी जी के यार हैं। उस गलतफहमी से बाहर निकलिए। मैं यहां खड़ा होकर के पूरी जिम्मेदारी से आपसे यह कह रहा हूं कि हमने तेलंगाना बनाया, सोनिया गांधी जी ने तेलंगाना दिया, अब उसे सजाने संवारने की जिम्मेदारी भी हमारी है। मैं राहुल गांधी का सिपाही हूं, मैं राहुल गांधी की कयादत में अपनी सियासत करता हूं। आप मुझे मेरी शायरी के हवाले से जानते पहचानते हैं। मैं यहां आपके बीच में लंबा सा सफर तय करके ये कहने आया हूं कि चार सूबों के इलेक्शन है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में वोटिंग हो चुकी है 17 तारीख को, क्लियर कट मेजोरिटी के साथ कांग्रेस वहां सरकार बना रही है। मैं रात जयपुर में था, बाड़मेर में था, सीकर में था, राजस्थान में, वहां 25 तारीख को वोटिंग है, वहां भी कांग्रेस सरकार फिर से बना रही है। अब पूरे मुल्क की नजरें कहां पर है? तेलंगाना पर है। तेलंगाना वालों के इलेक्शन बहुत अहम है। अगर ये सिर्फ एमएलए चुनने का इलेक्शन होता तो मैं आपके बीच में इतनी दूर सफर तय करके पिछली कई रातों से सोया नहीं हूं, नहीं आता। लेकिन अगर मैं आपके बीच में आया हूं आपसे मुलाकात करने, आपसे बात करने, तो आप समझ लीजिए कि मुल्क का ये इलेक्शन कितना अहम है। खतरा आईन पर है, खतरा जमहूरियत पर है। मैं पार्लियामेंट में बैठता हूं इसलिए बात कह रहा हूं कि जुल्म के कद तलक आ पहुंची है, आखिरी हद तलक आ पहुंची है। वो जो नफरत थी गली कूचों में, अब तो संसद तलक आ पहुंची है। हम सुन रहे हैं अपने कानों से उसी पार्लियामेंट में कि किस तरह से बीएसपी के सांसद दानिश अली को गाली दी गई और पूरा देश चुप रहा। अगर कोई दानिश अली को दूसरी पार्टी का होने के बावजूद भी सीने से लगाने के लिए गया तो राहुल गांधी गए, इमरान प्रताप वही गया। मैं इस बुनियाद पर आपसे कह रहा हूं कि यह इलेक्शन बहुत अहम है।